हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन राजस्थान। आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इंडिया नेपाल जो बॉर्डर इशू चल रहा है। कल ही राजनाथ सिंह ने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो रोटी बेटी के संबंध हैं, यानी कि भारत और नेपाल के संबंध जो हैं वो दो देशों की तरह नहीं हैं, वो बिल्कुल ही जैसे एक ही रीति रिवाज, एक ही कला संस्कृति, यहाँ तक कि रोटी बेटी से उनका मतलब है कि बेटियों को ब्याहने का, यानी कि दोनों ही तरफ जो है वो रिश्तेदारियों का भी संबंध है, और रोटी यानी कि कला संस्कृति भोजन ये सब चीज़ें भी जो है वो एक तरीके से हमारी जो है वो वहाँ से बिल्कुल ही मिलती जुलती है, और इसलिए इन दोनों देशों के जो संबंध हैं उनको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना चाहिए और इन संबंधों को सुधारने की ज़रूरत है। तो सारा इशू जो है वो समझेंगे हम, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि क्या हुआ है, किस कारण से ये सारा विवाद जो है वो थोड़ा सा उठा, और नेपाल की पॉलिटिक्स में अभी क्या चीज़ें चल रही हैं उन सब चीज़ों को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इंडो नेपाल रिलेशंस में या फिर भारत नेपाल जो संबंध हैं उसमें ये जो सीमा विवाद हुआ है उसको लेकर हम जो है वो बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत और नेपाल की शुरुआत या संबंधों की शुरुआत एक तरीके से देखेंगे तो आप देखेंगे एक सुगाली की संधि जो है वो सामने आती है। सुगाली की संधि जो है वो नेपाल और ब्रिटिश भारत यानी कि उस टाइम की अंग्रेज सरकार के मध्य जो है वो एक समझौता हुआ था। ये 1816 के अंदर हुआ हुआ समझौता है, जब अंगल नेपाल युद्ध के अंदर या गोरखा युद्ध के अंदर जो है वो नेपाली साम्राज्य की हार हुई थी और अंग्रेज़ों ने जो है वो नेपाली सरकार से जो है वो एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत नेपाल और भारत की वर्तमान सीमा जो है वो निर्धारित की गई थी। तो आपको ये डायरेक्टली प्री ओरिएंटेड भी आपको ध्यान होना चाहिए कि सुगाली की संधि जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो संधि है। किससे जुड़ी हुई है? भारत नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। कहाँ निर्धारित करती है? वो ये कहती है, सुगाली की संधि में लिखा हुआ है कि भारत और नेपाल की सीमा जो है वो काली नदी जो है उससे निर्धारित होगी। काली नदी के पूर्व की ओर में नेपाल की सीमा रहेगी और पश्चिम में भारत की सीमा रहेगी उत्तराखंड में। इस बॉर्डर को हम जो है वो अभी देखेंगे, थोड़ा सा आप सुगाली की संधि को ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमें जगहों के नाम जो हैं थोड़े से ध्यान रखने ज़रूरी हैं वो हैं ये तीन जगह, लिम्पियादूरा, लिपुलेख और कालापानी। ठीक है, ये तीन जगहें जो हैं ये तीन शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं इन सब चीज़ों में जो अभी चल रही हैं। और सारे विवाद की शुरुआत हुई है 2019 में, जब भारत ने अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जब विभाजन किया तो उसके बाद जो है एक नया नक्शा जारी किया गया। उस नक्शे में जो नेपाल की सीमा थी उस सीमा को लेकर जो है वो विवाद शुरू हो गया, जब नेपाल ने कहा कि इस नक्शे के अंदर दिखाया गया काला पानी क्षेत्र। ठीक है, वापस हम आ गए, मैंने जैसे बताया काला पानी, तो काला पानी क्षेत्र जो है वो भारत में नहीं आता, जबकि इस नक्शे में जो भारत ने जारी किया है 2019 में उस नक्शे में जो है वो इसको भारत में दिखाया गया। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस विवाद को सुगौली की संधि के समय से ही जो है वो कभी सुलझाना नहीं हुआ, या फिर इसमें जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग जो नक्शे जारी किए जाते रहे अंग्रेजी सरकार के माध्यम से या फिर भारत सरकार और नेपाल सरकार में, उन दोनों तीनों नक्शों में या जितने भी नक्शे आए हैं अलग अलग पक्षों की ओर से, उसमें कहीं भी एक निश्चित सीमा, एक निश्चित जगह जो है वो तय नहीं हुई है। काले पानी के पूर्व की ओर में भारत उस सीमा को थोड़ा सा आगे बताता है, वहीं नेपाल पूरे काले पानी वाले क्षेत्र को ही जो है वो भारत का हिस्सा ना मानते हुए नेपाल का हिस्सा बताता है, और इसको लेकर ही जो है ये विवाद समय समय पर जो है वो उठता रहा। जब 2019 में भारत ने ये नया नक्शा जारी किया तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ से विवाद शुरू हुआ था, काला पानी से विवाद जो है वो शुरू हुआ था, काला पानी के नाम को लेकर जो है वो विवाद शुरू हुआ था, बट फिर धीरे धीरे जो है वो विवाद आगे बढ़ा। सो थोड़ा सा हम इसको आगे देखते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर की, और मैं सारी आपको इसमें डिटेल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत और नेपाल बॉर्डर की। अब भारत नेपाल बॉर्डर के अंदर अगर बात करेंगे हम, तो भारत नेपाल में जैसा मैंने आपको बताया, जो भारत और नेपाल की सीमाएँ ये जो है वो काली नदी की वजह से बनती है। हम इसी सीमा की बात कर रहे हैं, इधर उत्तराखंड की सीमा लगती है, इधर नेपाल की सीमा है और उत्तर में चीन है। ये जो जगह है, ये जो इलाका है जिसको आप अभी मैप पे देख पा रहे हो, यही वो विवादित इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस इलाके में यहाँ पर काला पानी, यहाँ पर लिपुलेख दर्रा और यहाँ पर लिम्पियादूरा, ये जो हैं तीन जगहें आती है। इस जगह के बारे में मैं आपको जैसा बता रहा था, तो शुरुआत में विवाद जो है काला पानी से शुरू हुआ,
नेपाल का कहना है कि ये पूरा क्षेत्र जो काला पानी वाला इलाका आता है और इसके इधर का पूरा इलाका जो है वो नेपाल का है, ये हमेशा से रहा था, जबकि भारत जो है वो इसको, इस बाउंड्री को जो आप इसमें देख पा रहे हो, इस बाउंड्री को जो है वो भारत अपनी सीमा रेखा बताता रहा है और इसकी वजह से ही जो है वो विवाद रहा था। अब इस विवाद में इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, जब भारत ने नया नक्शा जारी किया तो उसके थोड़े दिन बाद ही, यानी कि अभी हाल ही में 2020 के अंदर, नेपाल की ओर से भी जो है वो एक नया नक्शा जारी किया गया और इस नए नक्शे के अंदर इस क्षेत्र को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। यानी कि अभी तक जो ये नक्शा दिखाया जा रहा था वो ठीक था, उसके अलावा हुआ क्या, नेपाल का मानना है कि इस वाले क्षेत्र के अंदर, सॉरी इसी क्षेत्र के अंदर हम जहाँ बात कर रहे थे, तो हम वापस चल रहे हैं इसी में, तो नेपाल ने कहा कि इस वाले पॉइंट से या इस जगह से जो पूर्व की ओर काली नदी की जो सीमा है या काली नदी जहां से निकलती है उसका जो प्रमुख उद्गम स्रोत है, उसकी जो धारा है वो यहां से निकलती है, यानी कि लिम्पिया धुरा से निकलती है जो कि भारत के उत्तराखंड में आता है। अभी जो नया नक्शा जारी किया नेपाल में, उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो इस क्षेत्र से ही या लिम्पिया धुरा से जो है वो काला पानी तक और यहाँ नीचे दक्षिण तक का जो इलाका आता है इसको नेपाली क्षेत्र मानेंगे, और इस चीज़ को लेकर ही विवाद जो है वो शुरू हुआ। तो आपको ये तीन जगहों का जो लॉजिक है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। लिम्पिया धुरा वो क्षेत्र है जिससे नेपाल क्लेम करता है या नेपाल का दावा है कि यहाँ से जो है वो काली नदी की जो उत्तरी सीमाएं या फिर उसकी जो मुख्य जलधारा है वो निकलती है, वहीं भारत के ओर से या भारत का कहना है कि लिम्पिया धुरा के इधर से लिपु लेक के जो दर्रा है उसके पास में से ये मुख्य धारा निकलती है और ये धारा जो दोनों जहां पर मिलती है वहीं पर उस जगह से आगे ही जो है वो अपना ये विवाद शुरू हुआ है। अब इन तीन जगहों को लेकर जो है वो एक और बात जो सामने आई थी वो ये आई थी कि ये रास्ता जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम जब बात करते हैं तो इस रास्ते से होकर ही जो है वो भारत की काला पानी वाले क्षेत्र से होकर या इस रास्ते से होकर ही जो है वो यात्रा गुजरती है भारत, और अगर आपको इस वक्त पे चीन जाना हो या फिर आपको मानसरोवर यात्रा के लिए जाना हो तो उस वाली स्थिति के अंदर ये वाला रास्ता जो है इसमें धरचूला नाम से जो जगह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलाका है। धरचूला के अंदर अभी हाल ही के अंदर भारत सरकार ने जो है वो एक नई सड़क जो है वो बनाई और ये काला पानी से होती हुई उत्तर के अंदर जो लिपु लेक वाली जगह है उससे होते हुए कैलाश मानसरोवर के लिए जाती है। तिब्बत के अंदर हम आ गए हैं, यहाँ पर तिब्बत की बात कर रहे हैं हम, और तिब्बत के अंदर जो है वो कैलाश मानसरोवर जो क्षेत्र आता है उस कैलाश मानसरोवर क्षेत्र तक जाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण रास्ता है। अब इस रास्ते में बनाई गई इस सड़क को लेकर ही जो है वो विवाद और ज़्यादा बढ़ गया जब भारत ने अभी हाल ही के अंदर यहाँ पर एक नई सड़क का निर्माण किया। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन किया, ये इसी धरचूला वाली जगह की बात कर रहे हैं हम। धरचूला पे से लेकर लिपुलेख दर्रे तक जाने वाली सड़क जो कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाती है, जब हमने इस सड़क उद्घाटन को किया तो नेपाल ने जो है वो इस पर आपत्ति जताई और इसके बाद में जो है वो ये मामला और ज़्यादा बढ़ गया। नेपाल की संसद में एक विधेयक लाया गया, एक बिल लाया गया जिसके अंतर्गत जो है वो इस मामले को या इस विषय को जो है वो आगे बढ़ाया गया और नया नक्शा पारित करने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी ओर सेना अध्यक्ष जनरल नरवाने ने कहा कि नेपाल लिपुलेख सीमा मुद्दे को किसी और के इशारे पर उठा रहा है नेपाल, ऐसा उन्होंने कहा, और इस विवाद के बाद में ये मामला जो है वो थोड़ा सा चीन की ओर इशारा करता हुआ था और ये कहा गया कि इस मामले में जो है वो चीन का हस्तक्षेप है और चीन के प्रभाव में आकर ही नेपाल ऐसा कर रहा है। हालांकि जो आंतरिक राजनीति है नेपाल के अंदर
आप फोटो देख सकते हैं, केपी शर्मा ओली, खड़क प्रसाद शर्मा ओली जो हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। हम थोड़ी सी इंटरनल पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं, क्या ये मामला चल रहा है। खड़क प्रसाद ओली जो हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है इनका मुख्य तौर से संबंध जो है वो चीन से है, कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो चीन से प्रभावित है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के होने की वजह से ये माओवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले नेता हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो चीन का काफ़ी ज़्यादा है नेपाल की पॉलिटिक्स में। पर इसको पूरी तरीके से, इस पूरे विवाद को पूरी तरीके से चीन के ऊपर मर देना या फिर चीन को इसका पूरा तरीके से जिम्मेदार बता देना भी बिल्कुल सही नहीं होगा। इसके पीछे कारण है आंतरिक अस्थिरता। देखिए, खड़क प्रसाद शर्मा ओली की जब सरकार बनी तो इनका जो है वो दूसरी पार्टियों के साथ में गठबंधन है, जैसे हमारे देश के अंदर संसद में गठबंधन की सरकार बनती है वैसी कुछ स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर प्रतिद्वंदी गुटों की ओर से जो है वो दावा पेश किया गया था, या फिर जो है कुछ झड़प की भी, अंदरूनी धमकियां देने की भी बात जो है वो नेपाल की ओर से सामने आई थी, जब नेपाली सरकार ने जो है उनकी बात मानने से मना किया था। यहाँ पर इस तरीके का समझौता चला है कि केपी शर्मा ओली और इससे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नेपाल के, हम इनके बीच में जो है वो एक तरीके का समझौता है, इनके बीच में जो है वो एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ समय तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे और फिर वो, इस तरीके से एक गठबंधन की सरकार जो है वो नेपाल में चल रही है। तो खड़क प्रसाद शर्मा जो है वो अपनी पहचान की राजनीति की भी बात कर रहे हैं, खुद की एक स्ट्रांग इमेज दिखाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो एक तरीके से ये अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में खुद को एक मजबूत नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं, चीन ने भारत सीमा पर जो विवाद किया उसके पीछे मुख्य तौर से शी जिनपिंग अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदरूनी जो लोग हैं उनको। उसी तरीके से पहचान की राजनीति, जैसा मैंने कहा, नेपाल अपने आप को एक संप्रभुत्व, एक आज़ाद, ना ही चीन के ना ही भारत के प्रभाव में आने वाला देश, एक मजबूत सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री के अंदर में, ताकि आगे आने वाले चुनाव में इनकी स्थिति मजबूत हो सके, केपी शर्मा ओली की स्थिति मजबूत हो सके, ऐसी स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चीन का प्रभाव भी इसमें कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से अगर आप देखेंगे तो चीन ने जो है वो भारत पे जो नेपाल की निर्भरता है उसको कम करने के लिए अपनी ओर से प्रयास चालू किए हैं। उन्होंने जो है वो नेपाल तक हाल ही के अंदर रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया है जो तिब्बत से नेपाल को जोड़ेगी। अभी तक नेपाल जो है मुख्य तौर से भारत पर निर्भर था कि किसी भी तरीके की ज़रूरत के लिए नेपाल को जो है भारत तक आना पड़ता है, और इसी बात के लिए कहीं ना कहीं नेपाल जो है वो चीन से भी जुड़ना चाहता है, और इसमें कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी से होने का भी जो है वो केपी शर्मा ओली के इसका संबंध है। तो अंदरूनी राजनीति के अंदर जो उठापटक चल रही है, जो उथल पुथल चल रही है, उसको देखते हुए उस स्थिति के अंतर्गत जो है वो नेपाल की स्थिति जो है वो अपने आप को सरकार बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री जो हैं केपी शर्मा ओली जो हैं वो अपनी स्थिति को मजबूत दिखाना चाहते हैं। ये सब चीज़ों के बीच तो है वो ये स्थिति बनती है कि भारत ने नक्शा जारी किया तो नेपाल को ये दिखाना था कि हम जो हैं वो कमज़ोर मुल्क नहीं हैं, हम भारत से दबेंगे नहीं, और हमें जो है वो अपनी छवि, अपना जो है वो आइडिया पेश करना है। इसलिए ये सारी राजनीति यहाँ पर सामने आई। उसके बाद अगर हम देखें तो वर्तमान परिदृश्य में क्या चीज़ें चल रही है। नेपाल ने एक नया नक्शा पारित किया है, तो ये भारत के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, भारत ने उल्लेख किया है कि इसे आपत्तियां इस नक्शे पर, और ये नक्शा स्वीकार्य नहीं होगा। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि नेपाल की सरकार अगर संविधान संशोधन करके किसी भी तरीके से नेपाल के नए नक्शे को पारित करती है तो उस स्थिति के अंदर नेपाल की आगे आने वाली भविष्य की सरकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो जो है वो इस नए मानित नक्शे को, इस संविधान के द्वारा या संविधान संशोधन करे हुए नए नक्शे को जो है वो ना माने। यानी कि एक तरीके से अगर ये संशोधन पारित हो गया तो वापस इस नक्शे को ले लेना या फिर वापस इस कदम से पीछे हट जाना आगे आने वाली किसी भी सरकार के लिए भी संभव नहीं होगा। यानी कि ये इशू एक परमानेंट इशू बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो है वो सीमा पुलिस ने, जो नेपाल की सीमा पुलिस थी, इन्होंने कुछ भारतीयों पर गोलीबारी की है जिसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई, और तनाव जो है बॉर्डर पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच जो है वो राजनाथ सिंह का जो है वो बयान आया और नेपाल और भारत के संबंध जो है वो सुधारने के लिए दोनों पक्षों को साथ में लाने की बात कही। जो नेपाल की संसद के अंदर विधेयक पारित किया जा रहा है, जो स्थिति बनी हुई है वहाँ के निचली सदन से ये नए नक्शे का विधेयक पारित हो चुका है,
ऊपरी सदन में जा चुका है, वहाँ पे वो पारित ना हो इसके लिए भारत जो है वो नेपाल को आह्वान कर रहा है कि आप आइए टेबल पे बैठ के हम बातचीत करते हैं किस तरीके से इस समस्या का जो है वो समाधान किया जाए। जैसा मैंने आपको समझाया, ऐसा क्यों कर रहा है भारत, क्योंकि अगर ये मामला वहाँ की संसद पारित कर देती है तो ये दोनों देशों के लिए ही आगे संबंध सुधारने का कोई स्कोप नहीं छोड़ेगी, कोई उम्मीद नहीं रहेगी आगे संबंध सुधारने की। इसी तरीके से मैं इस स्लाइड को, इस टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।